हेलो गाइस, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोहिनूर कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के पहले कालखंड प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल में हम जानेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए आज हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? इतिहास के पिता का नाम यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? यह जो है हेरोडोट्स को जाना जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों की आयु की गणना की जाती है, तो जो हम चट्टानों की आयु की गणना करते हैं वह यूरेनियम लेड विधि द्वारा की जाती है। अगर प्रश्न आता है कि चट्टानों की आयु की गणना किससे की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम लेड विधि। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु की गणना किससे की जाती है? तो देखिए, जो वृक्षों की आयु की गणना की जाती है, या वृक्ष में जो छल्ले होते हैं यानी वार्षिक वलय की गणना करके हम वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। इसका सही आंसर होगा वृक्षों की वार्षिक वलयों की गणना करके हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, ये जो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक शिला चित्र है, यह भीमबेटका का गुफा में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा भीमबेटका का। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, जो भारत में है, इसमें पूछा गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? यह जो है नर्मदा घाटी पे मिलता है, यानी नर्मदा घाटी में भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से सवाधान के उदाहरण मिले हैं जिससे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे? यह जो स्थल है यह बुर्ज होम है, यानी बुर्ज होम से समाधान के उदाहरण मिले और उसे पता चलता है कि मनुष्यों के साथ साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित किस स्थान से पालतू भैंस के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। देखिए, मेहरगढ़ स्थल से जो है पालतू भैंसों के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आमरी संस्कृति किससे विकसित हुई है? तो जो है आपकी आमरी संस्कृति या सिंध प्रांत में विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का यह स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है, तो उस स्थल को हम क्या कहते हैं? तो अहाई को हम ताम्बवती नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो अहाई स्थल है उसे हम ताम्बवती नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य में मिला है वह बागोर से मिला है, यानी बागोर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव माना जाता है, तो जो पहला जो पूर्ण मानव था उसे हम क्रोमैग्नान के नाम से जानते हैं, यानी क्रोमैग्नान को पूर्ण मानव माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी इस स्थलों यानी आदम आदा मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है और राजस्थान का बागोर है, इससे हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन सी धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें तांबे धातु की औजारों का औजार के रूप में प्रयोग हुआ था, यानी सबसे पहले कौन सी धातु औजार के रूप में प्रयोग हुई थी? तांबा है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष मिलते हैं, तो सबसे पहले जो हमें मिलते हैं ताम्र पाषाणिक काल में मिलते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर पुरापाषाणिक युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये उत्तर पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वह बेलन घाटी यानी उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल इससे हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो वह कौन सा स्थल है? वह महदहा है। महदहा से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गर्त निवास विशिष्ट लक्षण है, या जो गर्त निवास है इसका क्या लक्षण है? यह कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण जो कलाकृति की खोज हुई थी यह साउथ में पल्लवरम में हुई थी। अगला प्रश्न है, जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? यह जो है इलाहाबाद की बेलन घाटी से धान की प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, धान की बोए जाने वाली प्रजाति का प्रमाण इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित किस स्थान से प्राप्त होता है? इस स्थल को हम कोल डिहवा के नाम से जानते हैं, यानी धान की बोए जाने वाली प्रजाति का प्रमाण हमें कोल डिहवा जो बेलन इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहाँ से अस्थाई जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो यह जो है मेहरगढ़ स्थल से हमें अस्थाई जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, रोमन बस्ती के पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन बस्ती के जो पुरातात्विक अवशेष हैं वह अरिका मेड़ु से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? देखिए, जो नवदा टोली का उत्खनन का कार्य शुरू किया था एच डी सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी मानव द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन था? यह था जव था। जव जो था मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया अनाज था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, अगर आपको कुछ भी जानकारी पूछनी है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।